और लुट के ले गया। डॉक्टर गंडा सिंह कोई 2 महीने अफगानिस्तान में सर्च करते रहे कि शायद इतों की किसी लाइब्रेरी के बेच जां वो शाही जड़े खजाने ने जां जिस थान दे उते उदा समान है वो सानू मिल जाए, वो ट्रेस नहीं हुई। लेनिन गार्ड की लाइब्रेरी के बीच कॉरसपोंडेंस हुई, उत्थे भी एक भीड़ पई है। मार्कोस ओरा नू उत्थों दी लेनिन गार्ड तो ये चिट्ठी पत्री उन्हां दे नाल जारी सी, उत्थे भीड़ किवें पहुंची है लेनिन गार्ड के अंदर, इस बारे भी इतिहास हाले चुप है। ब्रिटिश जड़ी इंडियन हाउस इंडिया हाउस लाइब्रेरी है उसके अंदर भीड़ मौजूद है। कारण महाराजा रणजीत सिंह का जिस वेले राज होया है तो महाराजा रणजीत सिंह का ये रोजाना का नेम सी कि अपना इशनान पानी तो वेले हो करके अपना नितनेम करके तो सब तो पहला दरबार में जान तो पहला आद बीड़ ते बन्नो वाली बीड़ इन्हां दोहां बीड़ां तो दमदमी बीड़ तो ये वाक लिया करते सन। इन्हां नू ग्रंथी सन दोहां दे, वो आंदे प्रकाश करदे ते इन्हां नू वाक सुनाया जांदा दोहां बीड़ां तो। ते जिस वेले सिख राज चला गया ते ये दोहें बीड़ां ब्रिटिशर्स जड़े ने उन्होंने लंडन भेज दित्तियां। जिस वेले लंडन चलियां गईयां ते हुन जड़े करतारपुर जड़े सोडी बंश दे जिन्हां दे ए बीड़ां जड़े अपने को रखदे सी ते जड़े महाराजा रणजीत सिंह नू इसदा वाक सुनांदे सन, क्योंकि रोज़ वाक सुनांदे सी ते एक एक मोर दोहां नू भेटां मिलदी सी जड़े वाक सुनांदे सन ते उन्हां दा रोज़गार सी, उन्हां नू रोज़ दी मोर मिल रही है। हुण जदों बीड़ चली गई तां हुण इस इनामा तो वांझे रह गए। सो उन्होंने ब्रिटिश सरकार अगे अपील की कि सानू बीड़ां वापस दित्तियां जाण। पहलां इन्हां दी अपील खारज हुई, खारज होने तो बाद फिर इन्होंने दोबारा कईयां दे नाल मिल करके इत्थों दे गवर्नर जनरल नाल मिल करके कि साडा रुजगार खत्म है, तुसीं सानू बीड़ां वापस दिलवाओ। उन्होंने कहा तुहानू एक शर्त ते बीड़ देंगे कि तुसी एदा उतारा कर लो तो एक महीने बाद सानू वापस भेजोगे। सो उन्होंने वो बीड़ वापस आई हिंदुस्तान, उन्होंने उसके उतारा किया, उतारा करके बीड़ वापस गई। हुण साढ़े पास करतारपुर विखे करतारपुरी बीड़ आदि बीड़ और उस दियां होर कॉपीज भी मौजूद ने। भाई बन्नो जी ने जड़ियां बीड़ां तैयार कीतियां, भाई बन्नो जी दे परिवार दे पास उन्हां दे जानशीना पास ये बीड़ां अज भी मौजूद ने। पहला मांगट विच सी, कानपुर विच सन, ते कुछ उन्हां दे बीड़ां दे उतारे इत्थे कड़कड़डूमा विच उन्हां दा कोई परिवार रहिंदा सी उन्हां दे पास भी सी। हुण उत्थों ओह परिवार चला गया, उन्हां दी सर्विस इत्थों दी गई है ते ओह फिर कड़ी थां ते गए ने, इस गल दा वेरवा सानूं नहीं मिल सकिया। साढ़े पास अनंतपुरी बीड़ जिसका मैं जिक्र किया ते ए मार्कोस होरी अजकल बहुत रेयरली उदे दर्शन हो सकते ने, पर जो ओ जड़ी उन्होंने उदी फोटोकॉपी की हुई है, क्योंकि जड़ी बीड़ है उस दे हुणे उन्होंने नैशनल म्यूजियम तो उन्हें प्रोसेस करवाया है, क्योंकि उस उत्ते फंगस लगना शुरू होया सी ते उसनू ट्रीट करवाया है। ओ उस दे नाल उत्थों दे जड़े क्यूरेटर्स ने उन्होंने बुला करके कोई 1.5-2 महीने का प्रोसेस होया, उदे अंदर उदी नवी जिल्द बनाई गई है ते ओ पूरा लिख लिया उन्होंने कि किस तरह केड़ी केड़ी चीज़ नाल इहनू प्रोसेस कीता। पुरातन बीड़ां दी एक वड्डी खासियत है कि इस विच जिहड़ा कागज़ लगता है वो कागज़ इन्नी छेती खराब होने वाला नहीं। जड़े अज का जड़ा कागज़ है ना, जड़ा अज असी जिन्ना जिन्ना दे उत्ते बीड़ां तैयार ने ए छेती डिके हो जाता है, जबकि पुराना कागज़ जड़ा हैंड हथ नाल बनाया जाता सी ओदी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बीड़ां दे विच सानू ए भी मिलता है
कि एक केड़ा कागज इस्तेमाल किया गया, स्याही किवें बनाई गई है जिस नाल कि लिखिया, तो कई बार तो सुनहरी अखरों के नाल लिखा जाता, फिर उसनों शिंगारिया जाता उसके हत्थां दे नाल। जदों हिंदुस्तान दे विच पत्थरखाना आया तो साडे कोल पत्थरखाने वाली भी पत्थर छाप वाली बीड़ा भी ने, फिर इसनों ब्लॉकों के नाल छपवाण की गल आई, ब्लॉक सानू शुरू विच ब्लॉकों के नाल छपवाण दे आती है। इस तो उपरंत जी अज बीड़ साडे पास है ये ऑफसेट से छपी हुई है, जी श्रोमणी कमेटी या दिल्ली कमेटी जिसनों तैयार करवाते हैं। श्रोमणी कमेटी ने सन 1952 दे विच जिन्हां पुरातन बीड़ा ने जदों बन गई तो उन्होंने एक वड्डी कमेटी बनाई और उस कमेटी ने रल करके फैसला लिया कि कई बीड़ा दे विच थोड़ी बहुत लगा मात्रा की वाद घाट हुंदी है तो इसनों अथेंटिक किया जाए। तो विद्वाना की कमेटी बैठी और उन्होंने इस सारे जड़ा अज साडे पास मौजूदा स्वरूप है इसनों दमदमी बीड़ तो पुरातन बीड़ा के नाल मिला करके कि हुण कोई गलती ना हो, कोई लगा मात्रा की गलती ना रह जाए, उसनों शुद्ध करके उस कमेटी ने पास कर दिता। हुण देखो कि जड़ा कमर्शियल इंटरेस्ट है वह किन्ना इस काम नूं होण नहीं देंदा। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट की कि जिन्नियां मार्केट दे विच कोई बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर्स ने जिहड़े कि गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बीड़ां नूं छापदे ने, चतर सिंह जीवन सिंह है होर बहुत सारे पब्लिशर्स ने, दिल्ली दे विच भी कई पब्लिशर्स सन, सानू सन 1921 दे भी कई पब्लिशर्स मिले जिन्हां ते ओ बीड़ा सानू मिलदियां ने छपाई दियां। उस कमेटी ने देखिया कि जड़े प्राइवेट पब्लिशर्स ने जड़े ओ बीड़ा छाप रहे ने उन्हां विच 11 वड्डियां गलतियां ने, तो उन्होंने श्रोमणी कमेटी जी बीड़ तैयार की थी उन्होंने उसनों सुधार दिता गया। ये जी बीड़ श्रोमणी कमेटी छाप रही है इस विच एहोजियां कोई मेजर मिसटेक्स कोई मेजर गलतियां नहीं हन। पर अफसोस अखबारों में जी खबर आई, खबर ये आई कि श्रोमणी कमेटी ने जी कमेटी बनाई उन्हें कहा जी श्रोमणी कमेटी जी बीड़ छाप रही वो 11 गलतियां ने, गलतियां सन प्राइवेट पब्लिशर दी और तोहमत लगाई गई कि श्रोमणी कमेटी ने जी बीड छापी वो गलतियां ने। जी श्रोमणी कमेटी और दिल्ली कमेटी जी बीड है वह साढ़े को शुद्ध रूप में पहुंची है, जी कमेटी छाप के साढ़े पास आती है। बाहर दिया हथ लिखत या दूसरे जड़े प्राइवेट पब्लिशर्स ने उन्होंने गलती हो सकती है पर इस विच नहीं है। पर अफसोस आता है कि उन्होंने कमर्शियल इंटरस्ट खत्म हों, अज भी साढ़े जड़ी बीड प्राप्त होंगी है ये लागत मात्र तो भी बहुत घट कीमत पर जी भेटा है, तुहानू 500 या 1000 तक ये मिल जाती पर इसका कागज़ से छपाई का जोड़ा खर्चा है इस तो 3-4 गुणा ज़्यादा है। ये तो इस रिस्ट्रिक्ट भी किया कि 5 गुरसिख लियाओ तो आप जी को बीड़ मिलेगी, ये इसकी सेवा संभाल वास्ते है। सानू आज दमदमी बीड़ भी पुरातन सानू मिलदियां ने, ते ए बीड़ा केड़ी केड़ी थां दे उत्ते मौजूद ने जिहड़ियां सानू आज अवेलेबल ने, केड़ियां केड़ियां संस्थावां ने जिहड़ियां कि पुरातन बीड़ां दी सेवा संभाल विच लगियां होईयां ने। इस विच जिवें आप जी नाल जिक्र कीता है कि जड़ा गुरु ग्रंथ साहिब रिसोर्स सेंटर भाई वीर सिंह सदन की बिल्डिंग दे नाल बनाया गया, इस विच सारी डिजिटलाइजेशन की गई है। पटना साहब तख्त पटना साहब बिहार दे विच साडे कोल सुनहरे हाशिया वालियां जिन्हां विच गुरु तेग बहादुर साहब के गुरु गोबिंद सिंह जी के हथ लिखत दस्खत मौजूद ने, बहुत वड्डा खजाना पुरातन बीड़ा का पटना साहब तख्त पटना साहब विखे भी है। हजूर साहब नंदेड़ विच भी जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अंतला जड़ा समय उत्थे भी सानू बहुत सारिया पुरातन बीड़ा के दर्शन होंदे ने। ते जदों बाबा दीप सिंह जी ने तैयार कीतियां सन बीड़ा तो वह भी इतों ही जड़ी बीड़ है नंदेड़ साहब तो ये बाबा दीप सिंह जी इतों लियाए तो उन्होंने भेजिया सन।
ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 23 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਪੁਰਾਤਨ ਦੁਰਲੱਭ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ 2 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਾਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘੋਲ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਨਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੀੜਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੋਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਬੀੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 410 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਸ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਹੈਨ ਪੰਥ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਤੇ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਰਧ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜੱਥੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਧ ਬੀੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੀੜਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਤਲਿਖ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੀੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ